Good morning to all of you, dear students. Today we are going to discuss a very important topic of BSA 6th semester, that is the FET or field effect transistor. Field effect transistor या जिसे हम क्षेत्र प्रभाव transistor भी कहते हैं. क्यों ये जरूरत पड़ी, क्या ऐसा हमको जरूरत पड़ी जिसके कारण हमको ये FET पढ़ना पड़ रहा है. Actually, dear students, आपको याद होगा कि जो transistor थे उसमें कुछ drawbacks थे, और वो ड्रॉबैक्स क्या क्या थे उस पर यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला ड्रॉबैक था कि उसमें जो इनपुट रेजिस्टेंस होता था, जो इनपुट रिएक्टेंस होता था, वो बहुत ही कम होता था. आपको याद होगा क्योंकि इनपुट जो होता था उस इनपुट में हम हमेशा एमिटर जो होता था उसमें हम क्या करते थे, जैसे सीई मोड लेते हैं उसे हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखते थे, और फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है या रिएक्टेंस होता है वो या इम्पीडेंस होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ये एक बड़ा ड्रॉबैक था, उसको हम समझेंगे. दूसरा ड्रॉबैक ये है इसमें कि इसके आउटपुट, जब हम इसका आउटपुट लेते थे तो उस आउटपुट में जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा होती थी. आउटपुट में क्या ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा नॉइज देखने को मिलती थी, बहुत ज़्यादा शोर देखने को मिलता था. इस रीज़न से भी ये एक FET की हमें आवश्यकता पड़ी. लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि ये नॉइज़ क्यों ज़्यादा देखने को पड़ा? इसलिए क्योंकि हम जो पढ़ते थे वो एक्चुअल में जंक्शन से होकर चार्ज कैरियर जाते थे हमारे, किससे होकर जाते थे, एक संधि से होकर चार्ज कैरियर्स को गुजरना पड़ता था, वहीं से वो कंट्रोल होते थे. आपको याद होगा इसमें दो प्रकार के चार्ज कैरियर होते थे, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल. इसके कारण जो है इसमें नॉइज़ ज़्यादा देखने को मिलता था. तो ये था हमारा बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की मैंने बात की, लेकिन जो उसमें ड्रॉबैक थे. लेकिन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें ये ड्रॉ इफेक्ट जो है वो क्या हो गए, हट गए. एक्चुअली फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है वो ऐसा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसमें आउटपुट करंट जो होता है ना, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है. दैट मीन्स आउटपुट करंट इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि निर्गत धारा जो होती है उसे विद्युत क्षेत्र जो हमने लगाया है उससे कंट्रोल किया जाता है. इसमें धारा प्रवाह में केवल एक ही प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स. या तो इलेक्ट्रॉन इसमें काम करेगा या तो फिर होल काम करेगा, दोनों एक साथ इसमें पार्टिसिपेशन नहीं लेते हैं. इसलिए इसे यूनिपोलर डिवाइस या यूनिपोलर ट्रांजिस्टर्स भी कहते हैं. फैट इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिपोलर. वाई इट इज कॉल्ड द यूनिपोलर? यूनिपोलर दैट मीन्स ओनली वन पोल, दैट मीन्स ओनली वन चार्ज कैरियर, सो इट इज कॉल्ड द यूनिपोलर. जबकि BJT या बाईपोलर जो कि हम ट्रांजिस्टर हमने पढ़ा उसको बाईपोलर क्यों कहते थे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते थे. जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है या सिर्फ होल होता है, इसलिए इसे हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को यूनिपोलर कहते हैं. जनरली FET जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट्स. एक होता है आपका JFET, जो कि हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसे हम कहते हैं, जो कि बहुतायत में यूज होता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल करेंगे. और दूसरा होता है MOSFET, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. तो एक होता है आपका JFET और दूसरा होता है MOSFET. तो ये दो प्रकार के आप FET पढ़ेंगे, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे. ओके, तो चलिए चलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है. जनरली फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हम पहले बात करेंगे, डिटेल्स में आज बात करेंगे वो है JFET के बारे में, और उसी को समझेंगे. ये देखिए, ये एक JFET हमारे पास है जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक N चैनल का, ये कौन सा चैनल का है, N चैनल का एक JFET है. JFET दो प्रकार के माने जाते हैं, एक P चैनल का और एक N चैनल का. बहुत सामान्य सी बात है कि जब N प्रकार का एक अर्धचालक लेते हैं, ये देखिए पूरा एक अर्धचालक की पतली छड़ है जिसके ठीक मध्य में दोनों तरफ से P प्रकार के अर्धचालकों की दो संध्या बनाई जाती है. ये P प्रकार, ये P प्रकार, देखिए यहाँ गैप है ना. लेकिन ये इंटरनली क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. दोनों पी जो है वो इंटरनली क्या है, कनेक्ट होते हैं. अब आप देख सकते हैं कि दोनों पी प्रकार की परतें आंतरिक रूप से तो जुड़ी हुई हैं, है ना. इस सिरे यहाँ पर तीन प्रकार के जो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, तो दोनों जो पी प्रकार के जो आंतरिक सिरे जुड़े हुए हैं वो टर्मिनल से हम एक उभयनिष्ठ छोर निकालते हैं, कॉमन पॉइंट निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं गेट, और जिसे इंडिकेट करते हैं हम किससे, जी से इंडिकेट करते हैं. ये हमारा गेट है ना.
और दो अन्य टर्मिनल हैं जिसमें से एक को हम एस यानी कि सोर्स कहते हैं और दूसरा जो है उसे हम ड्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर भी ट्रांजिस्टर की भांति ही, बीजेटी की भांति ही तीन टर्मिनल होते हैं, गेट, सोर्स और ड्रेन। क्लियर हुआ? तो गेट, सोर्स और ड्रेन, देखिए यहाँ पर गेट जो है वो कॉमन होता है दोनों तरफ के पी के लिए, पीएन जंक्शन के लिए। ये देखिए दोनों तरफ के गेट को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और एक टर्मिनल यहाँ पर निकाला गया है जो कि जी है। ऊपर आप देख सकते हैं ड्रेन है और नीचे आप देख सकते हैं सोर्स है। अब इन तीनों को समझना है हमें कि ड्रेन क्या है या गेट क्या है या सोर्स क्या है, है ना। तो आप ये आपने देखा, खास बात यहाँ पर ये देखी होगी कि गेट जो है वो पी टाइप का है। जब भी आप एन एन पैनल एन चैनल एफ ई टी पढ़ेंगे या एन चैनल जे फैट पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एन चैनल अगर जे फैट है तो पूरा चैनल तो एन का होगा, लेकिन जो गेट होगा वो जस्ट ऑपोजिट होगा, इसका मतलब पी का होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पी चैनल में, ये पी चैनल फैट आप देख रहे हैं, है ना, ये पी टाइप पी चैनल जे फैट है। इसमें देखिए मध्य में क्या है, आपका बीच में एन टाइप का सेमीकंडक्टर का मिला हुआ है, पी जंक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पर गेट देखिए किस टाइप का होगा, एन होगा, मतलब यहाँ गेट एन होगा क्योंकि आपका जो जे फैट है वो क्या है, पी टाइप का जे फैट है ना, पी चैनल जे फैट है। यहाँ भी आपकी सेम कंडीशन, ड्रेन आप देख सकते हैं, सोर्स आप दे सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात आती है कि ये जो सोर्स है, ड्रेन है, गेट है, उसका क्या काम है। तो सबसे पहले जैसा कि नाम है सोर्स, हम सोर्स को समझते हैं। सोर्स क्या करता है, वह टर्मिनल है जिसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक चैनल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। मतलब जो भी चार्ज कैरियर्स होंगे, अगर पी है तो यहाँ पर क्या होंगे, होल्स होंगे, अगर एन होता तो यहाँ पर क्या होते, इलेक्ट्रॉन होते, वो यहाँ से क्या करते हैं, इंटर करते हैं, जैसे वहाँ उत्सर्जक हुआ करता था, ठीक इसी प्रकार ये होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रेन। ड्रेन वह टर्मिनल है जिसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो चैनल क्षेत्र से क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। ये ड्रेन, ड्रेन से बाहर निकलते हैं, सोर्स से इंटर करते हैं। सिंपल, नीचे से ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गेट जो इंपॉर्टेंट है, वह टर्मिनल जो छड़ के दोनों ओर लगी अशुद्ध अर्धचालक की संधियों को क्या करता है, जोड़ता है। इसका मतलब जो हमने इंप्यूरिटी एन टाइप की इसमें मिलाई है बीचों बीच, उसको यह जोड़ता है। एन चैनल में हमेशा ये पी होता है और पी चैनल में हमेशा ये क्या होता है, एन होता है। क्लियर है? आप इसका सिंबॉलिक डायग्राम भी देख सकते हैं, ये इसका सिंबॉलिक डायग्राम देखिए, एन चैनल गेट का और ये पी चैनल गेट का। इसमें ये एरो इंपॉर्टेंट है, देखिए एन चैनल गेट में हमेशा हमारा जो बीच वाला हिस्सा होता है वो पी टाइप होता है, इसलिए एरो जो है वो पॉजिटिवली जा रहा है, यानी कि धारा का की डायरेक्शन जो दिखा रही है वो पी से हमेशा चलेगी। और यहाँ चूंकि ये पी टाइप है, पी टाइप में हमारा जो गेट होता है वो एन टाइप का होता है, इसलिए करंट जो होती है वो पॉजिटिव से आ रही होगी, इसका मतलब वो बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रही है। तो ये सिंबल से आप समझ सकते हैं कि कौन सा चैनल का गेट है। एन चैनल गेट में इंटर करेगा एरो और पी चैनल गेट जो है फैट जो है उसमें वो गेट में बाहर की ओर एरो हमारा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि एन चैनल और पी चैनल में का जो सर्किट होता है जिसे हम उसके ऑपरेशन को समझेंगे, उसकी बात करते हैं। ये देखिए एन चैनल और पी चैनल का आपको सर्किट दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सोर्स और गेट होता है ना, ये एन चैनल है, ये पी है, ध्यान से देखिए, और ये आपका क्या है, एन सिरा है। अब इसका कनेक्शन ध्यान से देखिए कि जो सोर्स गेट सोर्स जो वोल्टेज होता है वो हमेशा और हमेशा रिवर्स बायस में होता है। सब सिंपल सी बात है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और बहुत अच्छे से याद रखने का एक तरीका मैं बता दूं, आपको याद होगा कि वहाँ उत्सर्जक जो होता था, एमीटर जो होता था, वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता था। यहाँ वही एमीटर का काम जो सोर्स कर रहा है वो रिवर्स बायस में है। बस ये सिंपल सी बात आपको डिफरेंस दोनों में जान के रखनी है ना। अब यहाँ पर तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इसे रिवर्स बायस में आपको रखना है, किसको, सोर्स और जो गेट का जो बैटरी है, ये देखिए एक्स बैटरी जो लगी हुई है वो रिवर्स बायस में आपकी लगी हुई है ना। ठीक वैसा ही आप देख सकते हैं, चूंकि यहाँ आपका एन चैनल है, पी चैनल है, तो यहाँ एन होगा, यानी कि एन का कनेक्शन किससे हुआ है, प्लस से। मतलब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि गेट सोर्स जो वोल्टेज है वो हमेशा रिवर्स बायस में यहाँ पर होता है, यहाँ कनेक्शन जो होता है रिवर्स बायस में होता है, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि जो कॉमन एमीटर मोड का हमने ट्रांजिस्टर या बीजेटी पढ़ा था, ठीक वैसा ही आपको डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें ये एमीटर की तरह ये खुद काम करता है, जिसे हमेशा क्या किया जाता है, ग्राउंड किया जाता था एमीटर को कॉमन, यहाँ वही सोर्स को कॉमन लिया गया है। तो ये जनरली कॉमन एमीटर टाइप का जो बीजेटी है, ठीक उसी प्रकार का आपको डायग्राम यहाँ देखने को मिल रहा होगा। अगर हम यहाँ पर डिप्लेशन लेयर वगैरह की बात करें या बनने की बात करें, तो आप समझ सकते हैं कि
अगर हमने यहाँ पर क्या रखा, अगर हमने यहाँ पर जो वोल्टेज है वो रिवर्स बायस में रखा, तो डेफिनेटली जो जंक्शन के बीच का जो डिप्लेशन लेयर होगा उसकी जो विड्थ होगी वो बढ़ती जाएगी। करेक्ट है। चलिए इसको एक और डायग्राम से हम समझ सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये एन चैनल का है और ये पी चैनल का है। तो एन चैनल जे फैट में आप समझ सकते हैं कि ये जो पी है ना, उसका कनेक्शन देखिए माइनस से हुआ है और जो एन है उसका कनेक्शन प्लस से हुआ है। तो ये जो आपकी विड्थ होती है, यानी कि कंट्रोल जो हमको करना है, जो डिप्लेशन विड्थ होती है, ये डिप्लेशन विड्थ धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब देखिए सोर्स से जो है, चूंकि एन चैनल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जनरली मीन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहेंगे ड्रेन की ओर, जिससे इसमें करंट क्या होगी, फ्लो होगी। करेक्ट। अब इस ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है, यदि हमने फॉरवर्ड रिवर्स बायस को बढ़ाया तो डेफिनेटली इसकी जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और चौड़ाई डिप्लेशन लेयर जो होगा वो बढ़ेगा बढ़ेगा, जिससे इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो प्रभावित होगी। यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इसमें फ्लो होने वाली करंट या चार्ज कैरियर्स जो घूम रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो इनपुट यहाँ पर हिस्सा है, इनपुट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है ना। अब जब गेट व स्रोत के बीच, यानी कि गेट और सोर्स के बीच कि अगर हम फॉरवर्ड बायस बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली हमने अभी बताया कि डिप्लेशन लेयर जो है उसकी मोटाई बढ़ती जाएगी, तो चैनल की मोटाई क्या होगी, कम होगी। क्योंकि यदि ये वाला हिस्सा बढ़ेगा, ये वाला हिस्सा बढ़ेगा, ये वाला हिस्सा बढ़ेगा, तो ये जो चैनल है, ये आप देख रहे हैं ये चैनल है, उसकी चौड़ाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। क्योंकि अवक्षय पट में केवल निश्चल आयन होते हैं, आपको याद है, कोई भी मुक्त आवेश वाहक वहाँ नहीं होता, अतः बढ़ी हुई अवक्षय पट से चालन लघुगणक क्या होगा, शून्य हो जाएगा, वहां तो चालन नहीं होगा। और चैनल का यह भाग आवेश वाहकों के प्रभाव में क्या उत्पन्न करेगा, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इस प्रकार पश्च अभिनत वोल्टेज बढ़ने पर, अगर हम फॉरवर्ड बायस बढ़ाएंगे, सॉरी रिवर्स बायस बढ़ाएंगे, तो अवक्षय पटों के बीच चैनल का प्रभावी अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या होगा, घट जाएगा, तो चैनल का प्रतिरोध बढ़ता जाता है। यानी कि जहां से हमारा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आवागमन कर रहा था, उसका प्रतिरोध क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना। फलस्वरूप चैनल का प्रतिरोध बढ़ेगा और स्रोत से ड्रेन की ओर प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, आपको रिवर्स बायस को अगर, लेकिन अगर हम उल्टा करें, मतलब गेट और जो हमारा सोर्स है उसके बीच का जो वोल्टेज है उसके रिवर्स बायस को हम कम करना शुरू करें, है ना। अगर हम वोल्टेज को घटाते हैं तो डेफिनेटली जो डिप्लेशन लेयर जो है, उस डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होगी, घटती जाएगी, जिससे क्या होगा, चैनल की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। चैनल की चौड़ाई बढ़ेगी तो क्या होगा, जो आवागमन होगा आवेश वाहकों का वो इजी होगा, सोर्स से ड्रेन की ओर जो करंट बह रही है ना, वो क्या होगा, इजीली बहेगी। सो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि नियत ड्रेन स्रोत वोल्टेज के लिए ड्रेन धारा गेट स्रोत वोल्टेज पर निर्भर करती है। तो ड्रेन धारा मुख्य रूप से किस पर निर्भर की, कि गेट और सोर्स के बीच जो आप वोल्टेज लगा रहे हो, अगर हमने आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख दिया है और गेट सोर्स के बीच का वोल्टेज अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो ड्रेन करंट है, सोर्स टू ड्रेन करंट है, वो क्या होगी, प्रभावित होगी। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जो ड्रेन करंट यहाँ से जाने वाली है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है। तो जे फेट का गेट व स्रोत के बीच निवेशी प्रतिरोध हमें समझ में आया कि बहुत क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। अब एक और चीज इसमें इम्पोर्टेंट हम बताना चाहेंगे आपको कि स्रोत के पास, यानी कि सोर्स के पास चैनल के जो अनुप्रस्थ काट का अधिक होता है, जबकि ड्रेन के सिरे के पास वो बहुत कम होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि चैनल की लंबाई के अनुदिश वोल्टेज क्या होगा, अगर चैनल की लंबाई के अनुदिश हम जाएंगे तो वोल्टेज में पतन होगा, इसलिए पतन होगा, जिससे ड्रेन के सिरे के पास पश्च अभिनति क्या होती है, ज़्यादा बढ़ती है। तो इस सिरे पर पश्च अभिनति ज़्यादा बढ़ती है, इस सिरे पर पश्च अभिनति कम होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि दूरी के साथ विभव में क्या होता है, पतन होता है, जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, वो यहाँ पर क्या होता है, क्रिएट करता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि गेट पर जो भी हमने वोल्टेज दिया है ना, वो ड्रेन धारा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए यानी कि ग्रेट पर दिया गया क्षेत्र ही ड्रेन धारा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा काम जो है वो कौन कर रहा है, क्षेत्र कर रहा है। क्षेत्र मतलब समझ गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाया है, यानी कि गेट और सोर्स के बीच जो वोल्टेज लगाया, वही इसमें क्या हो रहा है, पूरा कंट्रोल कर रहा है। ये मैंने एन चैनल में आपको समझाया, ठीक वैसा ही पी चैनल में होल के कंट्रोल के लिए होगा। अब हम बात करेंगे जे फैट के कैरेक्टरिस्टिक वोल्ट एम्पियर वक्र जो होता है, उसकी हम बात करेंगे।
ये उसका डायग्राम आप देख सकते हैं, एन तथा पी चैनल जेफेट के अभिलाक्षणिक वक्र के लिए जो विद्युत परिपथ है उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे ये एन चैनल आपका है ना, सिंपल सी बात है, ग्रेट और गेट और सोर्स जो है उसको हमेशा हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं क्योंकि रिवर्स बायस में रखते हैं। आप देख लीजिए, पी का कनेक्शन माइनस से हुआ है, इनका कनेक्शन प्लस से हुआ है। एक बैटरी है, एक RH1 है जिसकी सहायता से VGS को हम मेजर करते हैं, है ना, और उसी की सहायता से जो ड्रेन करंट है वो कैसे कंट्रोल होती है। ये VDS है जो कि ड्रेन और सोर्स के बीच के लगा हुआ वोल्टेज है ना, K2 स्विच है। तो ये पूरा ट्रेनिंग बोर्ड आपका JFET का आपको दिखाई दे रहा है। सॉरी, अब हम बैटरी जो है हमारा B1, उसके साथ एक RH1 की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, विभव विभाजक का काम करता है। तो गेट और सोर्स के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, है ना। और ये वाला वोल्टेज जो है उसको हम एक पॉइंट पर कांस्टेंट रख सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं RH2 जो है वो RH2 हमारा किसको कंट्रोल कर रहा है, ड्रेन और सोर्स के बीच के वोल्टेज के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, जिससे हम ID जो हमारी एक धारा है, ड्रेन धारा जिसके जिसी जिसके बारे में ही हमें पढ़ना है, जो कि मिली एमीटर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसको हमें नोट करना है। तो यहाँ हम दो प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र देखेंगे, एक तो आउटपुट देखेंगे, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र देखेंगे, और दूसरा अन्योन यानी कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो जब आउटपुट या निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र की बात हम करते हैं, ये आप देख लीजिए JFET का निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र हमको दिखाई दे रहा है ना। तो उसमें तीन क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं, एक रैखिक क्षेत्र, एक संतृप्त क्षेत्र और एक भंजन क्षेत्र, है ना। तीन क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो रैखिक क्षेत्र होता है या जिसे हम ओमी क्षेत्र भी कहते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि VDS बहुत अल्प है, जो VDS आप दे रहे हैं वोल्टेज वो बहुत अल्प है ना। ड्रेन धारा ड्रेन स्रोत वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है, सीधी सी बात है। ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्राफ आप देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ड्रेन धारा होती है वो VDS पे डिपेंड करती है जब वो बहुत अल्प होता है। तो ID इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VDS, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ओमिक या रैखिक क्षेत्र कहते हैं। रैखिक का मतलब तो आप समझ गए आ गया होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, कि जो ड्रेन करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है अगर ड्रेन सोर्स वोल्टेज के, तो वो एरिया जो आपका कहलाएगा वो यहाँ तक VP तक, है ना, VP तक वो आपका क्या कहलाएगा, ओमिक रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता हुआ कहलाएगा। लेकिन अब ड्रेन धारा ID लगभग क्या हो जाती है, उसके बाद देखिए नियत हो जाती है। इस वोल्टेज VP वोल्टेज से ज़्यादा हम बढ़ाते हैं तो ड्रेन धारा बढ़ती नहीं है, वो क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। अब ड्रेन धारा जब नियत हो जाती है तो ड्रेन सोर्स वोल्टेज पर वो निर्भर नहीं करती है। अब जब चैनल से होकर धारा प्रवाह प्रारंभ होता हो जाता है तो धारा प्रवाह के कारण छड़ की लंबाई के अनुदिश विभव में क्या होता है, पतन होता है, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी है ना। अब चैनल की प्रभावी VDS का मान और बढ़ाएंगे अगर, है ना, VDS का मान जब हम बढ़ाते हैं और VP पर ID का मान क्या हो जाता है, आपको मैंने बताया कि VP तक आप देख लीजिए वहाँ तक वो सैचुरेशन क्षेत्र आ जाता है कि VDS को VP तक अगर हम बढ़ा देते हैं उसके आगे जो है वो सैचुरेशन तक आ जाता है। ये जो VP है, VP वोल्टेज तक VDS हम बढ़ाते हैं तो रैखिक क्षेत्र मिलता है, ये VP को ही हम संकुलन वोल्टेज या पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ये VP को ही हम क्या कहते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, है ना। पिंच ऑफ वोल्टेज का मतलब है ऐसा वोल्टेज जिसके बाद जो क्षेत्र होगा वो कैसा हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यह आपका जो संतृप्त क्षेत्र था, ये पूरा पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद का क्षेत्र, यहाँ तक आप देख सकते हैं कि वो सीधे सीधे कंट्रोल हो रहा है किससे, VGS से, कि जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, VGS की वैल्यू यानी कि जो रिवर्स वाइज का वोल्टेज था उसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो हमारा VDS है वो चेंज होते जा रहा है। VDS को हम चेंज कर रहे हैं तो करंट क्या है, ID आपकी कंट्रोल हो रही है। तो देखिए ID पहले 2 पर थी, या ID फिर 4 पर थी, या 6 पर थी, या 8 पर थी, तो ये डिपेंड किस पे कर रही है, आफ्टर VP ये डिपेंड कर रही है गेट सोर्स वोल्टेज पे, कि पश्चभिनत का वोल्टेज जो है उस पर वो करंट क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। भंजन क्षेत्र जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS में अगर हम थोड़ी सी वृद्धि और करते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं तो ID जो धारा होती है वो एकदम से बढ़ने लग रही है। देखिए ये एकदम पैरलर आपको दिख रहा होगा कि एकदम से बढ़ने लगी, जैसा कि आपने जेनर वोल्टेज में भी, जेनर भंजन में भी, ब्रेकडाउन में भी आपने देखा था, है ना। जब ड्रेन वोल्टेज VDS काफ़ी अधिक हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हम बढ़ाते जाते हैं, है ना,
तो क्या होता है, VDS का मान और अधिक बढ़ाने पर किसी एक मान पर संधि का क्या हो जाता है, भंजन, मतलब संधि बेकार हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहाँ ड्रेन धारा क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि पश्चाभिनत वोल्टेज बढ़ाने पर भंजन का वोल्टेज का जो मान होता है वो क्या होता है, जनरली घटता है। अगर हम पश्चाभिनत वोल्टेज बढ़ाते आते हैं तो भंजन वाला जो है उसका मान क्या होता है, भंजन का जो वोल्टेज जहाँ पर वो भंजन होने वाला है उसका मान जनरली क्या होता है, घटता है। तो हमें यहाँ पर यह समझ में आया कि JFET के दोनों सिरों के बीच भंजन वोल्टेज से कम वोल्टेज ही हमेशा हमें लगाना चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। JFET का जो दोनों सिरे हैं उनके बीच जो भी आप वोल्टेज लगाएं वो हमेशा भंजन वोल्टेज से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो VGS की वैल्यू को अगर हम कम करते हैं तो उस कंडीशन में हमें भंजन वोल्टेज जो मिलता है वो क्या मिलता है, कम मिलता है। तो ये था JFET का निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। अन्योन अभिलाक्षणिक वक्र जो कि हम जनरली किसके किसके बीच खींचते हैं, इसे हम देख लेते हैं। VGS गेट सोर्स वोल्टेज और जो सेचुरेशन करंट अभी हमने देखी थी ID की, भी पिंच ऑफ वोल्टेज जो था उसके बाद ID जो हुई थी वो क्या हो गई थी, सेचुरेटेड हो गई थी, उन दोनों के बीच। तो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र की जो हमने हम खींचा उसी की सहायता से हम इसे खींच सकते हैं कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट VGS में, यानी कि हम जैसे जैसे पश्चाभिनत वोल्टेज को बढ़ाते हैं गेट और सोर्स के बीच जो आपका पश्चाभिनत वोल्टेज लगा है, वैसे वैसे आप देख सकते हैं धारा का मान धीरे 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 ID सेचुरेशन का मान क्या हो रहा है, घटने लगता है और एक अवस्था में जिसे हम VGS ऑफ कहते हैं उस पर वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, है ना। तो यहाँ पर VGS बढ़ाते हैं संतृप्त ड्रेन धारा क्या होती है, घटती है ना। गेट सोर्स वोल्टेज VGS का मान जबकि संतृप्त ड्रेन धारा शून्य हो जाती है ना, उस स्थिति में इसे हम क्या कहते हैं, कट ऑफ, या कट ऑफ आप कह सकते हैं, वोल्टेज कह सकते हैं। कट ऑफ वोल्टेज में जो ID की वैल्यू होती है ना, वो एक फॉर्मूले से शो होती है जिसको हम आगे दिखाएंगे। तो कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है आपको समझ में आया, ऐसा VGS का ऐसा वोल्टेज यानी कि ग्रेट सोर्स का ऐसा वोल्टेज जिसके लिए ID करंट जो होती है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। अब हम देख सकते हैं आगे गतिक ड्रेन प्रतिरोध। तो अगर हमें गतिक ड्रेन प्रतिरोध देखना है तो सीधी सी बात है कि नियत VGS पर ड्रेन वोल्टेज, ड्रेन सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट में चेंजेस के अनुपात को हम क्या कहते हैं, गतिक ड्रेन प्रतिरोध या डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि नियत गेट स्रोत विभव पर ड्रेन स्रोत विभव में परिवर्तन तथा ड्रेन धारा में परिवर्तन, है ना, जिसकी वैल्यू लगभग 10 किलो ओम से 1.0 मेगा ओम के बीच में होती है। अगर हम ट्रांस और म्यूचुअल कंडक्टेंस देखें या हम अन्योन चालकत्व देखें तो ये आप देख सकते हैं कि अन्योन चालकत्व जो है वो नियत ड्रेन सोर्स वोल्टेज पर ड्रेन धारा में परिवर्तन तथा उसके संगत गेट सोर्स विभव में परिवर्तन के निष्पत्ति को अन्योन चालकत्व, चालकत्व मतलब जस्ट ऑपोजिट होगा रेजिस्टेंस का, इसलिए फॉर्मूला आपको देखिए रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से जस्ट उल्टा लग रहा होगा, है ना। तो ये अन्योन चालकत्व का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ID का जो फॉर्मूला एक हमारे पास होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि ड्रेन करंट जो होती है उसका फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है अन्योन में, ID सेचुरेशन 1 माइनस VGS ऑफ मतलब कट ऑफ। सो GEF जब हम निकालेंगे तो DID अपॉन DVGS हमारे पास निकलेगा DS, या हम कह सकते हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, ID का DVGS करना पड़ेगा, जिससे ये आएगा -2 स्क्वायर में है, 2 ID के फॉर्म में आएगा, है ना, और VGS ऑफ रहेगा 1 माइनस VGS और VGS ऑफ। तो 2 आपको कहाँ से आया समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम यहाँ पर VGS के रिस्पेक्ट में आपका क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ID का, और ID की पूरी वैल्यू ये है, तो ये 2 आपका बिल्कुल सामने आएगा, ID 2 ID, है ना, ये होगा, और माइनस इसलिए क्योंकि VGS का आप करने वाले हैं, तो माइनस यहाँ पर होगा 1 माइनस VGS/VGS होगा, है ना, तो VGS ऑफ जो होगा वो बाहर आएगा, ये आपका बाहर है। तो हमने जनरल इसका डिफ्रेंसिएशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू VGS। इसका मात्रा चालकत्व है तो ओम इनवर्स होगा या महो होगा, इसकी वैल्यू लगभग 3 mmHg होती है या 3 mmOhm होती है। ये बात थी आपकी अन्योन चालकत्व। अब आप देख सकते हैं कि जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है वो एम्पलीफिकेशन फैक्टर नियत ड्रेन धारा के लिए अगर हम लेते हैं
तो वो ड्रेन सोर्स वोल्टेज में चेंजेस और गेट सोर्स वोल्टेज में चेंजेस के रेशियो के इक्विवेलेंट होता है। ड्रेन सोर्स मतलब आउटपुट और गेट सोर्स मतलब इनपुट। क्योंकि हम जब कभी भी एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं, प्रवर्धन की बात करते हैं, तो एम्पलीफिकेशन में हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट लेते हैं। तो वही हमने आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज आईडी करंट को कॉन्स्टेंट रखा है, जिसकी वैल्यू लगभग 50 के आसपास होती है। तो ये तो बात थी आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो इसके अभिलाक्षणिक वक्र के जो कांस्टेंट निकले थे उसकी बात थी। तो आपको समझ में आया होगा कि जे फैट क्या है और जे फैट में एन चैनल जे फैट, पी चैनल जे फैट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, न्यून अभिलाक्षणिक वक्र ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और जो हमने एक देखा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों मैंने यहाँ पर आपको बताया। आपको मालूम होगा कि जो जे फैट होता है, और अगर हमसे पूछा जाता है कि जे फैट और जो बीजेटी होता है उसमें डिफरेंस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो जे फेट और बीजेटी में आप डिफरेंस भी देख सकते हैं, सिंपल सिंपल है ना। जे फेट में केवल एक प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, चार्ज कैरियर जो होते हैं वो एक होते हैं। इसमें चार्ज कैरियर जो होते हैं वो दो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल होता है। इसमें जंक्शन से होकर चार्ज कैरियर गुजर, इसमें फील्ड चैनल से होकर चार्ज कैरियर गुजरते हैं, और इसमें जो है वो जंक्शन से होकर चार्ज कैरियर गुजरते हैं। इसमें जो नॉइज़ होता है वो बहुत कम होता है, इसमें जो नॉइज़ होता है वो बहुत हाई होता है। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंस है जो आप ओरल अभी आपने जितना पढ़ा उससे भी आप जान सकते हैं। इसमें इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है ना। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। और इसमें आप इनपुट रेजिस्टेंस बता सकते हैं कि लो होता है। इसमें इनपुट को हमेशा किस फॉर्मेट में रखा जाता है, फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में रखा जाता है। जबकि इसमें इनपुट को कैसा रखा जाता है, फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है। तो आप बहुत सारे डिफरेंस खुद भी यहाँ पर बना सकते हैं कि हम बीजेटी और जे फैट जो है उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ये तो डिफरेंस की बात हुई, लेकिन जे फैट बेनिफिट क्यों देता है, इसलिए बेनिफिट देता है। तो सबसे पहले इसकी नॉइज़ इसमें कम होती है, और इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो नॉइज़ लेवल बहुत कम होता है। ट्रांजिस्टर में जो एन पी और पी एन पी संधियाँ होती हैं, इससे शोर बहुत क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जनरली इसमें शोर बहुत कम होता है, आंतरिक प्रतिबाधा बहुत अधिक होती है। यहाँ प्रतिरोध ताप गुणांक जिसको हम अल्फा कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एक सेमीकंडक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसका जो लाभ हम देखते हैं, एम्पलीफिकेशन देखते हैं, पावर गेन जो देखते हैं, ये भी बहुत क्या होता है, हाई होता है। तो ये आपका ज़्यादा अल्फा ज़्यादा हुआ, पी ज़्यादा हुआ, पावर गेन ज़्यादा हुआ, नॉइज़ जो है वो बहुत कम हुआ, रेजिस्टेंस जो है इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ। ये सब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत यूज बहुत अच्छा करते हैं एज़ कम्पेयर टू बीजेटी, बहुत अच्छे हैं। आकार में भी ये बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा समय तक चलता है, और बहुत कम उसका प्राइस का होता है। थैंक यू वेरी मच आपको।